हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 20 के पार्ट वन में हमने सीखा था डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के पांच पॉइंट। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 20 पार्ट टू में हम सीखेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के रिमेनिंग सिक्स पॉइंट। जहां पे हमने प्रीवियस लेक्चर में 1 to 5 पॉइंट सीख लिए थे कि भाई क्या होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, उसमें प्राइस था, उसमें इनकम था, उसमें सब्स्टिट्यूट था, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री था, ठीक है, उसमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट था। आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 6 से, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो चलिए शुरू करते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉइंट नंबर 6, साइज ऑफ पॉपुलेशन। लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी डिमांड। अगर किसी कंट्री का, किसी स्टेट का, किसी घर का पॉपुलेशन ज्यादा होगा, रहने वाले लोग ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली उनपे जो डिमांड होगा वो भी ज्यादा होगा। फॉर अ कमोडिटी एंड द स्मॉलर साइज ऑफ अ पॉपुलेशन, स्मॉलर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी। सिंपल है कि अगर किसी कंट्री का, किसी स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो वहाँ पे डिमांड भी ज्यादा होगा, और अगर वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगा तो डिमांड भी कम होगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो डिमांड पे इम्पैक्ट करता है। क्या वो है? साइज ऑफ द पॉपुलेशन, यानी उस कंट्री की आबादी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगा, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी कम होगा। बहुत ही सिंपल पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। पॉइंट नंबर 7, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड कि भाई कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस के आने वाले दिनों में प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन प्रेजेंट में प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे इंपैक्ट करेगी। कैसे देखते हैं? इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट प्राइस ऑफ टू फॉल इन द फ्यूचर, अगर हमने ये एक्सपेक्ट किया कि फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस कम हो जाएगा, कि भाई 10 रुपए से वो 8 रुपए हो जाएगा, ठीक है, ही विल बाय लेस प्राइस, लेस इन द प्रेजेंट। तो क्या करेगा कि उसको पता है कि भाई कल या परसों या आने वाले हफ्ते में, आने वाले महीने में उस प्रोडक्ट का प्राइस जब 10 से 8 रुपए हो जाएगा ना, तब हम खरीदेंगे एट द प्रीवेलिंग प्राइस, ठीक है। तो करंट प्राइस पे कभी नहीं खरीदेगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर में प्राइस जब 10 से 8 हो जाएगा तब हम खरीदेंगे। तो प्रेजेंट प्राइस जो है 10 रुपीज, उसमें वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सपेक्ट किया, वो ये अज्यूम कर रहा है कि आने वाले दिनों में प्रोडक्ट का प्राइस जब 8 रुपया हो जाएगा तब इसको खरीदेंगे। सिमिलरली इफ यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू राइज इन द फ्यूचर, ही विल बाय मोर इन द प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। इसी तरीके से अगर उन्हें ये एक्सपेक्ट कर दिया, उसको ये आइडिया मिल गया, उसको ये खबर मिल गई कि भाई एक पर्टिकुलर कंज्यूमर को ये पता लग गया कि अगर प्रोडक्ट में फ्यूचर में उसका प्राइस 10 से 12 रुपए होने वाला है, तो क्या करेगा वो प्रिवेलिंग प्राइस यानी करंट प्राइस जो 10 रुपए है वहां पर अब क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा करेगा। क्योंकि उसको पता है कि प्रेजेंट में आज पर परसों आने वाले महीने में, आने वाले हफ्ते में उस प्रोडक्ट का प्राइस 10 से 12 हो जाएगा, यानी अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, अगर वो ये एक्सपेक्ट करता है तो प्रेजेंट प्राइस पे, प्रिवेलिंग प्राइस पे जो प्रेजेंट मार्केट में प्राइस चल रहा है उस पे वो ज्यादा डिमांड करेगा। तो एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस, इज इट क्लियर एवरीवन? एक कंज्यूमर प्राइस प्रोडक्ट का अज्यूम करेगा कि अगर वो 10 से 8 रुपए हो जाएगा तो आज वो नहीं खरीदेगा बल्कि फ्यूचर में खरीदने की कोशिश करेगा। इसके उल्टा, इसके अपोजिट अगर वो एक्सपेक्ट करता है, अगर उसने अनुमान लगाया, उसने अंदाजा लगाया कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट का प्राइस 10 से 12 हो जाएगा, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो वो आज के दिन उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा करेगा। तो ये भी एक फैक्टर है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन स्कीम An effective salesmanship tend to change the preferences of the consumer. यानी अगर हमने अपने प्रोडक्ट को सही जगह प्लेस किया है, सही एडवर्टीजमेंट पॉलिसी, सही एडवर्टीजमेंट स्कीम, सही तरीके के प्रमोशन किया है, तो ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा सेल होने से, ज्यादा डिमांड होने से कोई नहीं बचाएगा, एंड लीड टू द डिमांड, उस प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाएगी। फॉर मैनी प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक, टूथब्रश एक्सेट्रा, आपको पता है कि डॉक्टर का सुझाव नंबर वन ब्रांड जो है वो ओरल बी ही है। अभी जरूरी नहीं है, रियल नहीं है, कहीं भी प्रूवन नहीं है, लेकिन आपने इतना एडवर्टाइजमेंट देख लिया है, इतना ज्यादा उस प्रोडक्ट को हर जगह देख लिया है, सुन लिया है और इतना ज्यादा ऑब्जर्व कर लिया है, तो आपको लगता है कि हाँ ये सही में, वाकई में ये जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट प्रोडक्ट होगा।
ठीक है, अब वो है या नहीं हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट भी डिमांड होता है कि भाई ज्यादा एडवर्टीजमेंट उस प्रोडक्ट को दिखाएगा। आपको याद होगा ओप्पो और वीवो एक जमाना था, एक टाइम था जहां पे हर जगह, हर इलेक्ट्रॉनिक जगह पे आपको ओप्पो और वीवो ही दिख रहे थे, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को इतना ज्यादा प्रमोट किया गया, अच्छी स्कीम लगाई गई, अच्छे तरीके से उसके कैंपेन चलाए गए, अच्छे प्रोडक्ट बनाए गए, और इसकी वजह से क्या हुआ, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट ज्यादा हुआ जिसकी वजह से डिमांड भी ज्यादा हुआ। इज इट क्लियर एवरीवन? पॉइंट नंबर 8 सबको समझ में आ गया एडवर्टीजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन। ऑब्वियसली टेस्ट हैबिट एंड फैशन की वजह से भी प्रोडक्ट की डिमांड की जाती है, ये भी इंपैक्ट करता है उस प्रोडक्ट की डिमांड पे। कैसे? टेस्ट एंड हैबिट ऑफ अ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। यानी किसी आज के टाइम पे अगर जो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता था, फ्यूचर में अच्छा नहीं लगेगा तो आप उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, इफ अ कंज्यूमर लाइक्स ईट चॉकलेट्स और कंज्यूम टी, ही विल डिमांड मोर ऑफ देम। यानी किसी कंज्यूमर को, यानी हमें आपको पता है कि भाई कुछ लोग चाय के शौकीन होते हैं, कुछ लोगों को चॉकलेट अच्छी लगती है, तो जिन्हें जो अच्छा लगता है अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा भी हो लेकिन उनकी टेस्ट के हिसाब से वो प्रोडक्ट अच्छा है, उनको उस टेस्ट में अच्छा लगता है, तो भी उसकी डिमांड करेंगे। प्राइस ज्यादा होगा तो भी he will demand more of them. Similarly, when the new fashion hits the market, इसी तरीके से अगर कोई नया फैशन आ जाता है मार्केट में, तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर डिमांड दैट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कमोडिटी, चाहे वो स्पेक्स हो, चाहे वो जीन्स हो, चाहे वो कोई जैकेट हो, चाहे कोई मोबाइल हो, किसी भी तरीके का कोई भी स्टाइल, किसी भी तरीके का कोई भी फैशन अगर मार्केट में आ जाता है, तो चाहे उस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा भी हो तभी भी हम उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। इफ अ कमोडिटी गोज आउट ऑफ फैशन देन द सडनली डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट टेंड्स टू फॉल। और इसी तरीके से अगर वो प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन चला गया तो उस प्रोडक्ट का डिमांड जो कम हो जाएगा। आपको याद होगा कि हमने किस तरीके से पुरानी हिंदी मूवी में बेल बॉटम पैंट देखे थे कि भाई बेल बॉटम जहाँ पे जो हीरो पैंट पहनते थे वो नीचे से बहुत बड़ी होती थी, अब वो आउट ऑफ फैशन है, अब वो कोई नहीं पहनता। अगर आपको सस्ते में भी मिलेगा तो आप वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन हो चुका है। क्लियर? तो जो चीजें फैशन में है उनका डिमांड ज्यादा होगा, जो चीजें आउट ऑफ फैशन होगी उनका डिमांड भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, लेवल ऑफ टैक्सेशन। हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ दैट गुड्स और सर्विस। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस में टैक्स ऐड कर दिया जाए तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ जाएगा। लेट्स से अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 10 रुपी है और उस पर टैक्स लग गया 15, 5 रुपया टैक्स लग गया, तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट का प्राइस जो इंक्रीज हो गया। अब जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो आपको पता है क्या होने वाला है, इसका डिमांड डिक्रीज होना। देन दिस वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन द डिमांड। आपको पता है कि अगर प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और सर्विसेज एंड वाइस वर्सा। और उसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर उसमें उस प्रोडक्ट को जो टैक्स रेट था वो 5 रुपए का प्रोडक्ट था, अब गवर्नमेंट ने उसको टैक्स फ्री कर दिया है या फिर उसमें टैक्स रेट कम कर दिए, तो अब टैक्स फ्री कर दे तो उससे क्या होगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस 10 का 10 रुपए ही रहेगा। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, उसका प्राइस कम होने की वजह से डिमांड इंक्रीज भी हो सकता है। तो टैक्स रेट भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। आपको पता होगा हमने ईवी का एग्जांपल दिया था, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का एग्जांपल दिया था, वो जितने का भी प्रोडक्ट है उसमें 100% गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया। अगर वो 30 लाख का प्रोडक्ट है तो उस पर 30 लाख और 100% टैक्स लगा दिया, तो अब उस प्रोडक्ट का प्राइस 30 लाख नहीं रहा बल्कि उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है 60 लाख हो गया। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका प्राइस कम था लेकिन टैक्स रेट ज्यादा था, तो टैक्स रेट ज्यादा होने की वजह से प्राइस ज्यादा हो गया और ओवरऑल उसकी डिमांड पे इम्पैक्ट हुआ कि डिमांड डिक्रीज हो गया। तो लेवल ऑफ टैक्सेशन भी प्रोडक्ट की डिमांड में इम्पैक्ट करता है। पॉइंट नंबर 10, लेवल ऑफ टैक्सेशन। चलिए बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट हमारे पास, अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर्स में क्या क्या है जो डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं? सबसे पहले क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन आपको पता है कि भाई सीजन है, अम्ब्रेला का चल रहा है, रेनी सीजन है, अम्ब्रेला का प्राइस ज्यादा भी होगा तो भी लोग खरीदेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि आज के टाइम पे मोटोरोला के मोबाइल या कीपैड मोबाइल जिनमें बटन होते हैं वो कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा। क्यों नहीं खरीदना पसंद करेगा? क्योंकि उनको अब टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, लोग स्क्रीन टच पे आ चुके हैं, तो अब ऐसे प्रोडक्ट को ही लोग परचेस करना पसंद करेंगे, डिमांड करना पसंद करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज, अभी हमने लेवल ऑफ टैक्सेशन के बारे में सीखा। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करना चाहती है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, तो ऐसे क्या होगा, उस टाइम पे उस प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी अगर हमारी प्रोडक्ट के फेवरेबल में जाती हैं, फेवर में जाती हैं, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट पॉलिसी हमारे प्रोडक्ट के फेवर में नहीं जाती है तो फिर क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। फिर हमने सीखा लास्ट फोर्थ वन है
कस्टम एंड ट्रेडिशन, आपको पता है कि हमारे कंट्री में हर हर महीने में कोई ना कोई फेस्टिवल, कोई ना कहीं तरीके का ट्रेडिशन फेस्टिवल मनाया जाता है। तो अब ऐसे टाइम पे जिस कंट्री में या जिस स्टेट में ऐसे कस्टम, ऐसे ट्रेडिशन, ऐसे रीति रिवाज को फॉलो किया जाता है, तो इससे क्या होता है, बिजनेस भी बढ़ता है, डिमांड भी इंक्रीज होती है। और जिस कंट्री में या जिस स्टेट में बहुत सारे ट्रेडिशन, बहुत सारे कस्टम, बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे फेस्टिवल को फॉलो नहीं किया जाता, कुछ लिमिटेड को ही फॉलो किया जाता, तो उससे क्या होता है, उनका लेवल ऑफ डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये अदर फैक्टर में चार ही पॉइंट थे जिसमें आपने सीखा, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट डिपेंड करता है, अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो प्रोडक्ट की डिमांड भी चेंज हो जाएगी, चेंजेस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में रिगार्डिंग जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो डिमांड भी चेंज होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगा तो हमारा प्रोडक्ट की डिमांड भी चेंज होगी, और लास्ट में सीखा कस्टम एंड ट्रेडिशन, अगर जिस कंट्री का में कस्टम और ट्रेडिशन को ज्यादा फॉलो किया जाता है उस कंट्री में उस हर अलग अलग प्रोडक्ट की डिमांड भी होती रहेगी। इज इट क्लियर एवरीवन, यहां तक सबको समझा? तो ये हमने कंप्लीट किया लेक्चर नंबर 20 का पार्ट टू, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। पार्ट वन में हमने सीखा था 1 to 5, पार्ट टू में हमने सीखा 6 to 11। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 21 में हम सीखेंगे लॉ ऑफ डिमांड और उसके कुछ अजम्पशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।